हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन बॉल की रेसिपी और साथ में फ्राइड राइस की रेसिपी। तो ये दोनों रेसिपी जब एक साथ हम सर्व करते हैं और इसे खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल और फ्लेवरफुल भरी जो है ये बन करके तैयार होती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं कि इसे हमें कैसे तैयार करना है। पहले हमें चिकन बॉल तैयार कर लेना है, मंचूरियन बॉल। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। तो हमें इसे ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक अंडा ऐड करना है, इसके बाद हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काले मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टी स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून चिकन मंचूरियन मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ कप जो है ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इस मसाले को हमें अच्छे से जो है ग्राइंड कर लेना है, एकदम बारीक सा कर लेना है। तो इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। देखें यहाँ पे बिल्कुल चिकन एकदम बारीक हो चुका है। तो हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शन लेकर के इसका बॉल बनाएंगे। आप जिस भी साइज़ का चाहें उस साइज़ का बना सकते हैं। तो उससे पहले जो है हम पहले हथेलियों पे अपने जो है ऑयल अप्लाई कर लेंगे और इसमें से पोर्शन लेकर के जिस भी साइज़ का आपको बॉल बनाना हो उस साइज़ का बना लेंगे। और बॉल हमें बिल्कुल राउंड में बनाना है और बिल्कुल चिकना बनाना है। तो इस तरीके से देखें इसको बना लेना है। तो यहाँ पे हम आपको एक और भी बना करके दिखा देते हैं। बिल्कुल बॉल को चिकना बनाना है। आप बड़े साइज़ का बनाना चाहें तो बड़े पर बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए बॉल जो है बन गया है। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बॉल रेडी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है, ऑयल को हीट कर लिया है और इसे हमें जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो चिकन कच्चा ही रह जाएगा। तो हमने लो फ्लेम पर यहाँ पे बॉल को डाल दिया है। ये मंचूरियन बॉल बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होता है। यहाँ पे ब्रेड क्रम जो है हाफ कप ही हम डालेंगे, उससे ज़्यादा डालेंगे तो बॉल बिल्कुल कड़े हो जाएंगे। और सिर्फ ब्रेड हम इसलिए डालते हैं कि बाइंडिंग का काम करता है। तो यहाँ पे हमने इसे ऐसे ही रहने देना है 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर। इसके बाद 2 से 3 मिनट बाद इसके साइड को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इसके साइड को चेंज करेंगे। देखें बिल्कुल जो है परफेक्ट कलर इसका आया है। तो इसी तरीके से हमें दूसरे साइड से भी इसे जो है 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे जो है फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे देखें दूसरे साइड से भी मंचूरियन बॉल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकाल करके इसे एक बोल में रख देंगे। यहाँ पे देखें इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसी प्रोसेस से हमें बचे हुए जो मंचूरियन बॉल्स हैं उनको भी फ्राई कर लेना है। अब हम जो है इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम एक टूथपिक लेंगे और इसे चिकन मंचूरियन बॉल में इंसर्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा बस 3-4 मतलब एक बॉल में करेंगे हम, ताकि जो है ग्रेवी इसमें अच्छे से चली जाए और अंदर तक ये बिल्कुल जूसी बनकर के रेडी हो। तो इसी तरीके से हमें सारे मंचूरियन बॉल में जो है इंसर्ट करके इसमें जो है होल कर देना है। तो अब हमें यहाँ पे इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। तो ग्रेवी रेडी करने के लिए हमने 4 से 5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून चॉप गार्लिक, 1.5 टीस्पून ग्रीन चिली, 1.5 टीस्पून अदरक। इतना चॉप करके हम इसमें डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे सॉटे कर लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से रिलीज़ हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 कप अनियन ऑमलेट कट और इसे हम सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये सब हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है जो भी फ्राई करेंगे हम। और इसको फ्राई करने के बाद सॉफ्ट जब ये हो जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और इसे भी 1 से 2 मिनट जो है फ्राई कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना है। अब यहाँ पे शिमला मिर्च भी 1 से 2 मिनट के करीब जो है फ्राई हो चुकी है तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1/4 कप गाजर जिसको हमने बारीक काट लिया है और 1 से 2 मिनट इसे भी फ्राई करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा गाजर को गलाना नहीं है तो 1 से 2 मिनट इसे भी फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो 1 से 2 मिनट हमने गाजर को भी फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन जिसको हमने 1/4 कप लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। इसे भी 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। बस हमें 1 मिनट इसे ही मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे 1 मिनट इसे हमने मिक्स कर लिया है तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर,
1½ टेबल स्पून रेड चिली सॉस, इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर। इसको मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1½ टीस्पून सोया सॉस, 1½ टीस्पून टमाटो केचप। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए। और इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे मिक्स कर लेते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे 1/2 टीस्पून या फिर 3/4 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसे और 1 से 2 मिनट इसे हम भून लेंगे हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हमने हाई फ्लेम पर इसे भून लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1½ कप में हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे ऐड करेंगे और ऐड करके इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल ना आने लगे। तो बॉयल आने तक हमें इसे जो है पकाते रहना है। और यहाँ पे देखिए ये जो है बॉयल हो चुका है और थोड़ा सा इसकी ग्रेवी थिक भी हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे 3/4 टीस्पून चिकन मंचूरियन मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद हमने जो चिकन मंचूरियन बॉल को फ्राई करके रखा हुआ था उसे इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेते हैं इसे मसाले में अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे हमने फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो फिर स्किप करें, लेकिन इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इसे बस हम जो है गलने के लिए रख, ताकि मसाला अच्छे से मंचूरियन बॉल में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है इसके गलते हुए। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। लास्ट में अगर आप यहाँ पे ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिया था इसलिए हम यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो चिकन मंचूरियन बॉल बन करके रेडी है। अब हम बढ़ते हैं फ्राइड राइस बनाने के लिए। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने जो है 2 कप बासमती राइस लिया है, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है, और इसे हमने 2 कप लिया है तकरीबन 500 ग्राम। तो यहाँ पे हमें चावल को भिगा करके आधे घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पे चावल को भिगाए हुए हमें आधे घंटे हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे फ्राइड राइस रेडी करना है। तो हमने लिया है पानी, यहाँ पे इसको बॉईल कर लिया है। तो पानी यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 4 कप और हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक। तो नमक जो है चावल के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर हमने पहले थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे घी, जो कि हमने लिया है 2 टेबल स्पून। तो चावल को हमें जो है ना पसा करके बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो जब तक पानी यहाँ पे पक रहा है बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे सब्जियाँ तैयार कर लेते हैं फ्राइड राइस के लिए। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे 1½ टेबल स्पून अदरक, 1½ टेबल स्पून लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। तो इसे 1 से 2 मिनट इसी तरीके से सॉटे कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इससे जो है फ्राइड राइस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे थोड़ा अच्छे से हमें सॉटे करना है। तो 1 से 2 मिनट मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज, जो कि हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ की, और इसे ऑमलेट कट हमने फाइनली चॉप कर लिया है। तो 1 से 2 मिनट इसे लाइट गोल्डन होने तक ही बस हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नमक नहीं ऐड कर रहे हैं, बस तकरीबन 1/2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। तो यहाँ पे नमक को ऐड करके इसे हम मिक्स कर लेते हैं और लाइट गोल्डन होने तक जो है फ्राई कर लेते हैं प्याज को। तो प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 गाजर जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है, और आप यहाँ पे ग्रेट किया हुआ भी गाजर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो गल जाता है तो पता नहीं चलता, इसलिए हमने जो है चॉप किया हुआ गाजर ऐड किया है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है इसलिए हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गाजरें जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं 1 से 2 मिनट। अब हम यहाँ पे 1/2 कप पत्ता गोभी ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे 1 मिनट, क्योंकि पत्ता गोभी ऑलरेडी स्मूथ रहता है तो वो 1 मिनट भी इसको मिक्स करेंगे तो हो जाएगा। तो पत्ता गोभी यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, इसको हमने जो है ऑमलेट कट काट लिया है, तो बारीक ही काटिएगा, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं काटिएगा। तो 1 मिनट के लिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो शिमला मिर्च जो है यहाँ पर मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप तकरीबन जो है स्प्रिंग अनियन,
तो यहाँ पे हमने साथ में प्याज भी लिया है, इसीलिए स्टार्टिंग में हमने प्याज का यूज़ कम किया था, क्योंकि यहाँ पे हम जो है स्प्रिंग अनियन के साथ जो है प्याज ऐड कर रहे हैं। अगर सिर्फ आप इसके पत्ते डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने आगे प्याज का यूज़ कम किया था इसलिए हमने यहाँ पे इसे ऐड किया। तो 1 से 2 मिनट इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो है सब्जियाँ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जो है रेड चिली सॉस। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ऐड करिएगा। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जो है सोया सॉस, या फिर 2 टी स्पून भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1.5 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टी स्पून काले मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले को जब तक कि इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, तकरीबन 1 से 2 मिनट। तो यहाँ पे हमने जो है सब्जियों को अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे मटर। मटर को हमने बॉयल कर लिया है, तो 1/2 कप हमने मटर का यूज़ किया है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो फिर स्किप करें। तो मटर को हमने बॉयल करके ऐड किया है, इसलिए बॉयल करके ही ऐड करिएगा। तो यहाँ पे जो है सब्जियाँ जो है बन करके तैयार है। हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि मटर में जो है सारी सब्जियों का फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने चावल के पानी को रखा था बॉयल करने के लिए, वो बॉयल हो चुका है। अब हमने धुला हुआ चावल यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसे फ़ौरन से जो है हम चला लेंगे ताकि चावल नीचे बैठे ना, और इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे चावल में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही हम कुक होने देंगे ताकि जो है चावल 90% तक कुक हो जाए। हमें 90% तक चावल को कुक करना है, तो ऐसे इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए जो है हम कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 मिनट हमें चावल को कुक करते हुए हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसके पानी को स्ट्रेन कर देते हैं। तो पानी को यहाँ पे हमने स्ट्रेन कर लिया है और सेम वेसल में हमने चावल को नीचे डाल लिया है। और अब हमें यहाँ पे ऐड करना है जो सब्जियाँ हमने कुक करके रखा हुआ है, तो उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो है हमें मिक्स करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि चावल बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। तो इसे मिक्स कर लेते हैं धीरे धीरे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा हमें तेज़ से नहीं करना है, नहीं तो चावल जो है टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है फ्राइड राइस में सब्जियाँ ऐड कर ली हैं, चावल में जो सब्जियाँ अच्छे तरीके से ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं ताकि जो हमने चावल को 80 से 90% कुक किया है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो लो फ्लेम पर रख देते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट बाद यहाँ पे हमने लिड को रिमूव किया है और यहाँ पे फ्राइड राइस जो है वो बन करके रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मेल आ रही है। तो चलिए अब हम इसे मंचूरियन बॉल के साथ सर्व करते हैं। तो ज़बरदस्त सा जो है चिकन मंचूरियन बॉल और फ्राइड राइस जो है बन करके तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो रेसिपी है और इसे जब आप एक साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर से भरा हुआ लगेगा। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।